हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने चैनल हेमू आर्ट में। और आज आपके लिए मैं एक वीडियो लेके आया हूँ एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड। आज का वीडियो होने वाला है एंटरटेनमेंट नहीं होगा आज के वीडियो में, क्योंकि एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड है। तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि स्किन टोन किस तरीके से बनाई जाती है और किस तरीके से फेस पर अप्लाई की जाती है और कैसे उसमें कलर को मिक्स करना है। तो टोटल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। बहुत सारे सब्सक्राइबर की कमेंट आ रही थी कि इस सब्जेक्ट में आप एक वीडियो बनाओ, हमको समझ में नहीं आता आप किस तरीके से स्किन टोन बनाते हो। तो आज मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो इसलिए लेके आया हूँ। तो आशा है कि आप लोगों को ये एजुकेशन पर्पस से रिलेटेड वीडियो पसंद आएगा और आप इससे कुछ सीखेंगे और घर पर बनाने का ट्राई करेंगे। सिखाने के उद्देश्य से वीडियो मैंने आपके लिए बनाया है, तो आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और उसमें कुछ समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में राइट जरूर करना। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो मैं उसको और अच्छे से करने का ट्राई करूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं आज का ये ट्यूटोरियल, जिसमें मैंने यहाँ पे नोज़ का स्केच बनाया है आपको बताने के लिए। तो फर्स्टली हम जो है पहले नोज़ से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट नोज़ से, और इसके बाद रिस्पेक्टिवली चलते जाएंगे। तो किस प्रकार से इनमें जो है स्किन टोन अपने को देना है और रेफरेंस पिक्चर कैसी होती है, कैसे स्किन टोन बनाना है। तो रेफरेंस पिक्चर जो है वो आपको स्किन पे दिख जाएगी, उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे वर्क करूँगा। तो आप स्किन टोन देख सकते हैं किस तरीके से मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा और किस तरीके से बनाऊँगा, तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करें। तो फर्स्टली यहाँ पे अपने पास कलर जो है रेड है, येलो है और वाइट है नॉर्मल। तो यहाँ पे जो तीन कलर है, जिसमें येलो जो है ये फास्ट येलो है और रेड वाला जो कलर है ये कलर है अपना सिग्नल रेड। इनके अबाउट मैं बनाने वाला हूँ पिक्चर, आपको स्किन पे दिख रही होगी, तो उस पिक्चर के अकॉर्डिंग हम इस के स्किन टोन को बनाने वाले हैं। तो किस तरीके से बनाना है तो आप अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। तो यहाँ पे मैं वाइट कलर सबसे पहले जो बेस कलर होता है उसको ले रहा हूँ यहाँ पे ब्रश से, वाइट कलर। और एक और बात का आप ये ध्यान रखें कि सबसे पहले आप जो रेफरेंस बना रहे हैं उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करें। उस फोटो को जितने अच्छे तरीके से आप ऑब्ज़र्व करेंगे, देखेंगे, तो आप अच्छे से उस कलर को बना पाएंगे। तो जैसे रेफरेंस आपको दिख रहा है उस अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे कलर को बना रहा हूँ। तो येलो और रेड को धीरे धीरे मिला मिला करके थोड़ा थोड़ा कलर ले रहा हूँ और उसको मैच करने का ट्राई कर रहा हूँ। वो कम्प्लीटली मैच हो चुका है यहाँ पर। अब मैं जो डार्क एरिया आपको दिख रहा होगा इस नोज़ में, उसको शेड देने के लिए अलग से टोन बना रहा हूँ। तो उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला लिया है और येलो और रेड जो था वही। या जो कवर करना है हमको, तो हमने जो दो कलर बनाए थे उनको आपस में थोड़ा सा मैच कर लें, नहीं तो ज़्यादा डार्क लगा देंगे तो आपका स्किन टोन गड़बड़ हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो साइड में स्किन चल रही है, इसमें मैं कैसे मिला रहा हूँ आप देख सकते हैं, उसी के तरीके से आपको कलर मिलाना है और उसको अप्लाई करना है। देन उसके बाद शेडिंग करनी है छोटे फ्लैट ब्रश से। फ्लैट ब्रश ले रखा है मैंने छोटा, उससे मैं ब्लेंडिंग कर रहा हूँ और कलर को मिला रहा हूँ। कंप्लीट परफेक्ट कलर मिलने के बाद जब नीचे का नोज़ का जो डार्क एरिया, नीचे जो ब्लैक होल है उनमें मैं थोड़ा ब्लैक लेकर के रेड डेगल कलर मिला बना रहा हूँ और उसको अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे। तो कलर मैं आपको बताते जा रहा हूँ किस तरीके से मैं बना रहा हूँ और अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं उसको। और इसको फिलअप करने के बाद इसमें उसी छोटे फ्लैट ब्रश से आपको ब्लेंड करना है नीचे की तरफ से। तो मैं देखो ब्लेंड कर रहा हूँ और कलर को अच्छे से मैच, नीचे की तरफ से ज़्यादा करना, ऊपर की तरफ से कम करने का ट्राई करना है। अभी ये बेस कवर हो रहा है, देन उसके ऊपर हाईलाइट करेंगे वाइट कलर से अपन। ये बाद में जब ये सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, इसके बाद हम इस पर हाईलाइट करेंगे। नेक्स्ट नोज़ का स्किन टोन मिलाते हैं। तो तीसरे नंबर की नोज़ यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, कि दूसरे नंबर की जो नोज़ है उसका थोड़ा सा टोन अलग था, इसका थोड़ा मैच टोन है, इसलिए उसी कलर से उसमें डार्क मिला करके और इसका टोन बना रहा हूँ मैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है नोज़। इसका भी मैंने दो टोन बनाया है, एक लाइट और एक डार्क। डार्क में बना रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा साइड में रेड और उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला करके। ये बात ध्यान रखें आप लोग कि जो टोन आप बनाते हैं उसी से रिलेटेड आपकी डार्क टोन होनी चाहिए, तो ही आपका जो टोन है वो सही से मैच होगा। नहीं तो अगर एक भी टोन गड़बड़ होगी तो वो सही से मैच नहीं होगा। और यहाँ पे देखो मैं ब्लेंड कर रहा हूँ जैसा मैंने पहले वाली नोज़ में ब्लेंड किया था, और आउटर साइड में मैंने कलर लगा दिया था कि थोड़ा सा इफेक्ट सही आए यहाँ पे। और यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, करूँगा बाद में, लेकिन हाइपर रियलिस्टिक नहीं बना रहा हूँ यहाँ पे, बस आपको बता रहा हूँ बस यहाँ पे किस तरीके से स्किन टोन बनाई जाती है और किस तरीके से उसमें शेडिंग हमको करना चाहिए।
और नीचे वाले जो हॉल्स हैं उनके भी कलर जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया था उसमें थोड़ा सा आपको ब्लैक मिलाना है और उसको कंप्लीट करना है। डिफरेंट टाइप की स्किन टोन को हम यहाँ तीसरे नंबर पर सीख रहे हैं जिसमें ब्लैक का यूज़ होगा और इसमें जो रेड लगने वाला है वो लगेगा प्योर रेड। मार्केट में प्योर रेड के नाम से रेड कलर आता है, इसमें आपको सिग्नल रेड का यूज़ नहीं करना है, प्योर रेड का यूज़ करना है। और वही येलो फास्ट येलो जो हर बार हम यूज़ कर रहे हैं वही येलो इसमें यूज़ होगा। इसमें भी दो टाइप की स्किन टोन आपको बनानी है, फर्स्ट तो लाइट वाली बनानी और देन सेकंड जो बनेगी वो डार्क टोन बनेगी। तो डार्क टोन भी आपको ब्लैक से ही बनानी है, ब्लैक और उसी प्योर रेड का यूज़ करते हुए और उसमें थोड़ा सा येलो मिलाना है और जो टोन हमने बनाई है उसको भी थोड़ा उसमें मैच कर देना है। तो लाइट टोन को अप्लाई कर रहा हूँ पहले यहाँ पे मैं, और जो साइडों में डार्क टोन को अप्लाई करूँगा। डार्क टोन आपको मैंने बता रखा फर्स्ट टाइम किस तरीके से आपको बनाना है, जो आपने डार्क टोन बनाई है उसमें थोड़ा लाइट टोन मिला करके उसको थोड़ा सा लाइट करना है। देन जो लास्ट पॉइंट है नोज़ का उसमें थोड़ा डार्क एरिया कवर करना है, आपको डार्क कलर लगाना है थोड़ा सा और शेडिंग करनी है। नोज़ के जो आपको होल दिख रहे होंगे यहाँ पे आपको डार्क कलर लगाना है, देन उसको ब्लेंड करना है जैसा फर्स्ट टाइम हमने ब्लेंड किया था। और जहाँ हाईलाइट करने वाले हैं वहाँ पे मैंने थोड़ा सा वाइट कलर लगा दिया है ताकि ये सूखने के बाद हम इस पर अच्छे से हाईलाइट कर सकें। तो हमारे नोज़ कंप्लीट हो चुका है। तो चौथे टाइप की स्किन टोन हम यहाँ सीख रहे हैं, रेफरेंस फ़ोटो स्किन पे आ चुका है, इसको चॉकलेटी स्किन भी कहते हैं। और इसको कैसे बनाया जा रहा है, साइड में स्किन चल रही है आप देख सकते हैं, इसमें वाइट में दोनों टाइप के जो रेड है निकाले थे मैंने, सिग्नल और प्योर रेड दोनों को मिलाया, उसमें येलो मिलाया और थोड़ा सा ब्लैक मिलाया। ज़्यादा रेड का यूज़ हुआ है और ब्लैक का यूज़ हुआ है, रेड कौन सा आप, तो प्योर रेड का ज़्यादा यूज़ किया है मैंने यहाँ पर। और डार्क टोन बनाई है रेड और ब्लैक से, येलो कम है। तो चॉकलेटी स्किन यहाँ बनाई है, उसके भी दो टोन आपको बनाने हैं, तो दो टोन आपको बनाते हुए बता रहा हूँ यहाँ पे मैं किस तरीके से बना रहा हूँ। रेड ब्लैक और येलो दोनों टोन को एक साथ बनाया है मैंने और उसको अप्लाई किया है, और अप्लाई करने के प्रोसेस तो आपको पता चली गई किस तरीके से अप्लाई करना है कलर को। जो पॉइंट है वहाँ पर डार्क यूज़ करना है और जो साइडों में वहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर का यूज़ करना है, आपको जो डार्क टोन बनाया है उसी में लाइट मिला करके थोड़ा। अब बात आ रही है हाईलाइट की, तो हाईलाइट हम करने वाले हैं, इसमें सूख चुके हैं सभी नोज़ के कलर। तो होल्स में सबसे पहले मैं यहाँ पे डार्क एरिया कवर कर रहा हूँ, जो हमने बनाया था टोन डार्क टोन उसमें ब्लैक मिला करके। अब हाईलाइट यहाँ पे जो अपन ने स्किन टोन बनाया है उसी में आपको वाइट मिलाना है और हाईलाइट करना है, जो स्किन टोन हमने फर्स्ट टाइम बनाया था उसी में वाइट मिला के आपको हाईलाइट करना है। देन उसको ब्लेंड करना है एक बार ब्लेंड करने के बाद देन उसके ऊपर वापस से आपको ब्रश से हाईलाइट करना है, और हाईलाइट इस तरीके से करना है जिस तरीके से उस पर स्ट्रक्चर बना हुआ है हाईलाइट का, जो अपने चेहरे में आपको दिख रहा होगा सल होते हैं बहुत सारे, तो उन सल के अकॉर्डिंग आपको हाईलाइट इसमें देने हैं। तो दूसरे नंबर का नोज़ जो हमने यहाँ बनाया था उसके हाईलाइट कर रहे हैं हम, तो उसमें भी जो होल्स है उसको डार्क एरिया से कवर कर रहे हैं, जो हमने इसका भी टोन बनाया था उसी डार्क टोन में थोड़ा ब्लैक मिलाकर, और इसको भी हाईलाइट कर रहे हैं हम। और हाईलाइट का स्ट्रक्चर आप रेफरेंस में देख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, बिल्कुल स्लोली और धीरे धीरे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, पेशेंस से काम कर रहा हूँ। थोड़ा आपको यहाँ लग सकता है कि रेफरेंस लाइट जा रहा है और फोटो डार्क है, तो ऐसा बस वो फोटो के अकॉर्डिंग होता है, वो स्किन पे चल रहा है इसलिए आपको ऐसा लगता है, बाकी वो स्किन टोन वैसा ही होता है जैसा हम उसको बनाने का कोशिश करते हैं। फ़ोटो से थोड़ा डार्क लाइट आपको लग सकता है, इस वीडियो को देखने के बाद आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो आपको धीरे धीरे स्किन टोन बनाना आ जाएगा, एकदम से तो नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आप ऑब्जर्वेशन की आपकी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी और आप अच्छे से उसको जो है स्किन टोन बना पाओगे, कलर का अच्छे से यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे भी जो हाईलाइट आपको दिख रहे हैं, हाईलाइट का जो तरीका है वो ऐसा है कि आप रेफरेंस को अच्छे से चेक करें और उसके अकॉर्डिंग आप हाईलाइट करें, तो आपका जो हाईलाइट है वो अच्छे से फोटो में ऑब्जर्व होगा और दिखेगा। यहाँ पे आपको लग सकता है कि रेफरेंस में थोड़ा सा डिफरेंट बनाने में और मेरे बनाने में, तो मैंने यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया, बस यहाँ पे स्किन टोन बनाने के लिए मैंने ऐसे ही पेंसिल से स्केच कर दिया था, ज़्यादा उसमें कोई ध्यान नहीं दिया था। तो इतना आप अवॉइड करें, बस स्किन टोन को चेक करें जहाँ तक हो सके, क्योंकि इसी के लिए मैंने आज ये ट्यूटोरियल बनाया है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे भी इस नोज़ में चॉकलेटी स्किन जिसको बोलते हैं, इस नोज़ में भी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, साइड में मैंने डार्क टोन लगा दी है और जहाँ पे हाईलाइट्स हैं वहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ जैसा रेफरेंस में है उसी तरीके से, और ज़्यादा यहाँ पे मैं डिटेलिंग नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आप स्किन टोन मैच कर सकते हैं। तो
तो यहाँ पे हाईलाइट करने के बाद देन मैं उसको ब्लेंड कर रहा हूँ, और देन उसके बाद फिर डबल हाईलाइट कर रहा हूँ। दो तरीके से मैं यहाँ पे कलर लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे नोज़ कंप्लीट हो चुके हैं, और नीचे जो मैंने बनाया है ये मैंने ब्लैक एंड वाइट नोज़ बनाया था, ये आपको बताया नहीं मैंने, क्योंकि मैंने इसको ज़्यादा बताना उचित नहीं समझा आप लोगों को। तो चार नोज़ ऊपर डिफरेंट टाइप के कलर के नोज़ आपको दिख रहे हैं, चारों मैंने आपको बता दिया किस तरीके से मैंने यह बनाए हैं। तो कैसा लगा आपको ट्यूटोरियल, पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो